ओम प्रकाश का मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात ओम प्रकाश जी के साथ भी घटित हुई। ओम जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दो गुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70 से 80 रुपए में बिक जाती है, लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। साल 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी, मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया। उस बूढ़े ने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से भी मना नहीं कर पा रहा था, शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं है। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपए भी लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और साल 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई, प्लॉट बिक गया, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टर्स ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके बाद 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमतों को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपए का इंजेक्शन मुझे 700 रुपए में दिया गया, लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं। गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं, और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप क्या महसूस करते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो पर काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।